अगर 3 महीने पढ़ाई नहीं हुई है तो क्या अभिभावकों का फीस देना जायज़ है? सर, ऑनलाइन क्लासेस दी तो हम सिर्फ ट्यूशन फीस अदा करें, संस्थानों द्वारा कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है समय से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता फोरम, मैं हूं आपके साथ रजत पांडे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम एक इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले हैं, जो है शिक्षा। शिक्षा हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। कोरोना काल में अक्सर ये मुद्दा उठ रहा है, कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही हैं कि शिक्षा के दौर पे जब शिक्षा नहीं बच्चों को मिल पाई तो क्या फीस लेना जायज़ है। एक हमारे साथ अनिल अग्रवाल जी हैं, जो अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और सेंट जोजफ ग्रुप ऑफ स्कूल्स के डायरेक्टर भी हैं। अनिल जी, जनता फोरम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी। सर, एक सवाल है जो मेरे पास बहुत दिनों से आ रहा था, मैं बहुत कोशिश कर रहा था आपसे मिलने की और ये सवाल जानने की कि सर, अगर 3 महीने पढ़ाई नहीं हुई है तो क्या अभिभावकों का फीस देना जायज़ है? सर देखिए, सबसे पहले तो जो बात आपने कही मैं उसको नहीं स्वीकार करता हूँ कि 3 महीने पढ़ाई नहीं हुई है, बल्कि इस बीच में ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं और ऑनलाइन क्लासेस करना बच्चों का खेल नहीं है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी टिप्पणी की गई। टीचर्स के लिए ये जो आपदा का समय आया है, ये सभी के लिए कष्टकारी था और शिक्षकों के लिए इसलिए ज़्यादा कष्टकारी हो गया, जिसको उन्होंने एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया। बहुत सारे स्कूलों में टीचर्स ऐसे होते हैं जो एक एज अटेन कर चुके हैं और उनको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना इतना आसान नहीं रहता, बहुत मुश्किल रहता है। हाँ जी, लेकिन उन्होंने बच्चों की खातिर उस चीज़ को सीखा, समझा, महसूस किया और एक ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को देना शुरू किया। क्यों? क्योंकि बच्चों की कनेक्टिविटी पढ़ाई के साथ बनी रहे, उसके लिए बहुत ज़ोरदार तरीके से प्रयास किया गया। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा भी ऑनलाइन शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया, तमाम चैनल्स चलाए गए, क्योंकि कई जगह गाँवों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो चैनल के माध्यम से स्वयंप्रभा चैनल था जिसमें बाकायदा ट्यूटोरियल्स बनाए गए, टीचर्स पढ़ा रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे, तो ये रेडियो प्रोग्राम्स भी थे। तो इसको कहना तो गलत होगा कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई है, पढ़ाई हुई है। मैं ये मान सकता हूँ कि हो सकता है 10-20% जगह जहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम हुई हो, वो कनेक्टिविटी ना हो पाई हो, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे माध्यम से टीचर्स ने अपने प्रेजेंटेशंस बनाए, ऑनलाइन क्लासेस ली, उसमें उन्हें कई तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आज सभी टीचर्स इक्विप्ड हो गए हैं बहुत अच्छी तरीके से। और जैसे ही ये वेकेशंस लगभग ख़त्म हुई, कुछ स्कूलों ने अपने वापस ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं और 1 जुलाई से लगभग सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ फिर से ऑनलाइन क्लासेस लेने लगेंगे। ये चीज़ इसलिए है क्योंकि देखिए, जब तक विद्यालय खुल नहीं रहे हैं, पहली बात तो मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि स्कूल बिल्डिंग क्लोज कहेगी लेकिन शिक्षक शिक्षिकाओं का जो टीचिंग प्रोसेस है वो कभी भी नहीं रुका। उन्होंने भरपूर प्रयास किया कि बच्चों को अच्छे से अच्छे चीज़ों को बता सकें, पढ़ा सकें। उन्होंने तमाम व्हाट्सएप पर वीडियोस बनाए, अपनी चीज़ों को किया। वो घर में रहने के जो उनकी जिम्मेदारी थी, उसके साथ में स्कूल की वर्किंग को उन्होंने उतनी ही तवज्जो दी, बल्कि मैं ये बोलूँगा, एक टीचर जब स्कूल आता था तो वो 6 से 7 घंटे स्कूल में रहता था और अपनी पढ़ाई करवाता था, लेकिन आज वही टीचर 12 से 14 घंटे मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि उसको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, चूँकि मैंने कहा ना, वो इक्विप्ड उतना ज़्यादा नहीं था, ये सडन चीज़ आई, लेकिन ये बहुत कुछ सिखा गई। अब इसका यूज़ जब हमारे कभी ऐसी छुट्टियां सडनली हो जाएंगी, या संडे को सपोज़ किसी को रेमेडियल क्लास लेनी है, बोर्ड एग्ज़ाम्स होने हैं, किसी टीचर को कोई लेक्चर लेना है, तो वो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर पाएगा और बहुत अच्छा चीज़ें होंगी। मैं मानता हूँ थोड़ा सा फ़ेस टू फेस टीचिंग में जो इम्पैक्ट पड़ता है वो ऑनलाइन टीचिंग में इतना नहीं पड़ता, लेकिन वही कहते हैं ना, जब हमारे पास कोई समाधान नहीं है तो जो भी हमारे पास बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है उसका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अनिल जी, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि चलिए, बहुत पेरेंट्स ये भी, उनका ये भी कहना है कि चलिए हम मानते हैं कि आपने ऑनलाइन क्लासेस दी तो हम सिर्फ ट्यूशन फ़ीस अदा करें, क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत से स्कूल्स हैं जो हॉस्टल फ़ीस भी ले रहे हैं, उसका अकोमोडेशन भी मांग रहे हैं, बस की भी फैसिलिटी जो नहीं यूज्ड हुई है उस पर भी एडिशनल फ़ीस मांग रहे हैं। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने जैसा कि कहा कि ट्यूशन फ़ीस लें केवल,
तो एक फी रेगुलेशन बिल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आया, जिसमें ट्यूशन फी जैसा कोई हेड ही नहीं बचा, केवल एक हेड में फीस ली जाती है, वो एनुअल कॉम्पोजिट फी है और उसके साथ एक एग्ज़ाम फीस का कंपोनेंट है। अब रही बात बोर्डिंग स्कूलों की, जिसमें आपने कहा रेजिडेंशियल, तो वो एक चॉइस होती है पेरेंट्स की। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि रेजिडेंशियल स्कूल में चूँकि बच्चे नहीं रह रहे हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ कंसिडरेशन स्कूल अवश्य करेंगे, लेकिन वो पूरी तरह माफ़ कर दी जाए ये संभव इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो हॉस्टल के लिए फैसिलिटीज़ देनी होती हैं वो स्कूलों की ऑलरेडी है। उसमें जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, जो उसमें मेस को कोऑर्डिनेट करता है, जो लॉन्ड्री के काम को देखता है, जो बार्बर्स रहते हैं, जो हाउसकीपिंग के लोग रहते हैं, वो बाकायदा अपॉइंटेड हैं। उनकी सैलरीज जाना, उसकी चीज़ों की मेंटेनेंस है, ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो उसको पूरी तरह से तो माफ़ किया ही नहीं जा सकता। और जो ट्रांसपोर्टेशन की बात आपने कही, एक उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना शासनादेश दिया कि 3 महीने का ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीस नहीं ली जाएगी। मैं यहाँ बिल्कुल उस ऑर्डर का सम्मान करता हूँ कि गाड़ियाँ नहीं चली हैं तो फीस नहीं ली जानी चाहिए, और स्कूल फीस नहीं भी ले रहे हैं, यदि कोई स्कूल फीस ले रहा है तो वो गलत है और उसको वो फीस कतई नहीं लेनी चाहिए। अगर ले ली है तो उसे आगे के महीनों में एडजस्ट कर देना चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि ठीक है, सरकार का निर्णय था, उसका स्वागत है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूँ, उसको पेरेंट्स बिल्कुल ऑफेंडेड फील नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में केवल जो बचत हुई है रजत जी, वो केवल फ्यूल की बचत हुई है। क्यों? क्योंकि गाड़ियां जो हैं खड़ी हुई हैं, वहां ड्राइवर कंडक्टर्स हैं, वो अपॉइंटेड हैं, उनका वेतन जा रहा है। उसके अलावा रोड टैक्स हो गया, फिटनेस हो गया, परमिट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये मंथली बेसिस पर कट रहे हैं, जिनका एक हैंडसम अमाउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा जिन्होंने गाड़ियाँ लोन पर ली हुई हैं, लोन की भी इंस्टॉलमेंट जा रही हैं। गवर्नमेंट ने लोन को डिफर किया, माफ़ नहीं किया कि 3 महीने के लिए आगे नहीं बढ़ाया, और जब डिफरमेंट हुआ तो उस लोन पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हो गया कि जो नहीं पे कर पा रहे हैं वो आगे पे करें, लेकिन उस पीरियड का एडिशनल इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो 60-70% का खर्चा तो है, लेकिन फिर भी स्कूल को जो आदेश मिला सरकार की तरफ से, उसका सम्मान किया सभी विद्यालयों ने, और वो ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं ली और नहीं लेंगे स्कूल, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। अनिल जी, फ़ी रेगुलेशन बिल का जिक्र हुआ, जब गवर्नमेंट ने ये बात कही कि फ़ीस इस सत्र नहीं बढ़ाई जाएगी, तो एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल, उसने एक रिट दायर करी कि गवर्नमेंट को इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर अभी जो आपने बोला कि आप एक्सेप्ट करते हैं गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को मानने की बात करते हैं, तो सर ऐसा डुअल नेचर क्यों? सर देखिए, मैंने कहा UPSA जो हमारी एसोसिएशन है, अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, हम सबके जितने मेंबर सदस्य सब ने ये निर्णय लिया हम सहमति से कि सरकार ने जो निर्णय लिया है हम उसके साथ हैं। अब ये एसोसिएशन कोर्ट में क्यों गई, उनका ये कहना था कि सरकार ने जो निर्णय लिया है वो गलत है, क्योंकि फ़ी रेगुलेशन बिल स्कूलों को ये अधिकार देता है कि वो अपनी फ़ीस की वृद्धि 5% प्लस CPI के हिसाब से कर सकता है। हम लोग भी ये मान के ही वृद्धि हम लोगों ने करी थी इस सत्र के लिए, लेकिन चूंकि आपदा का वर्ष आया और सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया, हमने उस निर्णय का स्वागत किया, क्योंकि आज अगर इस आपदा की स्थिति में हम अपने अभिभावकों के साथ नहीं खड़े होंगे तो ये चीज़ जस्टिफाइड नहीं होगी। मैं इस चीज़ का पूरा विरोध करता हूँ, किसी भी वजह से सरकार के लिए हुए निर्णय पर चैलेंज करना नहीं चाहिए था। उसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो ये हुआ कि गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेकर आई और जिसमें उनको ये अधिकार है कि आगे भी कभी इस तरह की आपदा की स्थिति आती है तो गवर्नमेंट निर्णय लेने के लिए स्वच्छंद होगी। और मैं आज भी आपको, कोई हम लोगों का ड्यूअल रोल ड्यूअल कैरेक्टर नहीं है, आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात के लिए श्योर करता हूँ कि जो ये ऑर्डिनेंस भी आया है इसके भी अगेंस्ट में हम लोग नहीं हैं। जो सरकार ने निर्णय लिया है, ये स्थिति को देखते हुए, COVID-19 ये बहुत बड़ी आपदा है, इसको देखते हुए निर्णय लिया है, और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम लोग उसके अगेंस्ट में कहीं पर भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करने जा रहे। निर्णय जो सरकार ने लिया है कि इस वर्ष फीस में कोई वृद्धि नहीं होगी, जो पिछले वर्ष की संरचना थी, फी स्ट्रक्चर था, उसके बेसिस पर ही क्लास वाइज फीस इस बार ली जाएगी, हम लोग उस निर्णय पर अडिग हैं। और कोई भी स्कूल यदि हमारी एसोसिएशन का इसके अगेंस्ट में जाता है तो वो हमारा मेंबर नहीं रहेगा, हम लोग उसका विरोध करेंगे।
सर, बात वेतन की उठी है, बहुत सी आवाज़ें बीच में आ रही थी कि संस्थानों द्वारा कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है समय से। इस पे सर क्या कहेंगे, क्या लगता है कि आप एक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, क्या लगता है सर कितने निजी संस्थानों ने क्या लगता है कि हर कर्मचारी को उसका वेतन सही समय पर मिला है सर कोरोना काल में? देखिए, मैं मार्च के महीने के वेतन की बात करूँ तो सभी स्कूलों ने भुगतान किया है, अप्रैल में भी वेतन का भुगतान हुआ, मई से स्थितियां बिगड़ी। उसका रीज़न है क्योंकि पेरेंट्स के द्वारा फीस ना के बराबर जमा की जा रही, जिसकी वजह से बाद में स्कूलों ने 1% कट किया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो वेतन आगे देंगे नहीं, क्योंकि उनके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बच्चों की फीस जो कि पेरेंट्स जमा करते वही है। चूँकि फीस जमा नहीं हो रही है, इस वजह से वो वेतन की कटौती एक टाइमिंग फॉर द टाइमिंग की गई है, आगे वो उसको पे करेंगे, ये बिल्कुल मैं आश्वस्त हूँ इस चीज़ को लेके। और पहले का वेतन बकायदा दिया गया है स्कूलों के द्वारा, और यदि कहीं समस्या आई है तो उसका रीज़न फीस का ना जमा होना है। अनिल जी, एक सवाल है, जैसे शिक्षक संस्थान परेशान हैं फाइनेंस को लेके, इकोनॉमिक कंडीशंस को लेके, क्योंकि अभिभावक फीस नहीं दे पा रहे हैं। एक ये भी समझने वाली बात है कि सर धंधे बंद हो गए हैं, बिजनेस शटडाउन है, अभिभावक भी परेशान हैं। तो सर एक सवाल है कि जैसे बच्चे संस्थानों में पढ़ रहे हैं, शिक्षक संस्थानों में पढ़ रहे हैं, कि अगर टाइम से फीस नहीं मिल पा रही तो क्या एक ऐसी भी कंडीशन आएगी अगर अभिभावक फीस नहीं दे पाएंगे तो क्या बच्चों का सर नाम काट दिया जाएगा या कोई और प्रावधान आप लोग लेके आएंगे, आपका एसोसिएशन उस पर भी चर्चा करेगा? देखिए, आपने जो बात बोली कि लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन दूसरे ही पहलू पर मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अपने विभागों से वेतन मिलता रहा। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो लॉकडाउन में प्रभावित नहीं हुए और चलते रहे। यदि वो पेरेंट्स भी स्कूल को अपनी फीस समय से देते या आगे दे दें तो उससे हम उन पेरेंट्स की मदद कर पाएंगे जिनको वाकई में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उनके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। पहले भी विद्यालयों ने स्कूल के उन पेरेंट्स का सपोर्ट किया है, आज भी अगर उनके सामने दिक्कत है तो सपोर्ट करेंगे और आगे भी उनको समय दिया जाएगा। लेकिन जो ये धारणा बना ली कि फीस माफ़ हो जाएगी, ये संभव नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि स्कूलों के खर्चे अपने जगह पर हैं और वो खर्चे इस मीट आउट करने के लिए फीस ही एक माध्यम है। तो मैं अपील करूंगा, बल्कि मैं कहूंगा वो अभिभावक जो कि वाकई में परेशानी में आए हैं, वही उन अभिभावकों को मैसेज दें जिनको कि जैसा मैंने कहा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या बहुत सारे जिनका लॉकडाउन में बिजनेस अफेक्टेड नहीं हुआ, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अपनी फीस समय से जमा करें तो उससे उन लोगों को रिलीफ मिल पाएगा जो एक्चुअली नीडी हैं। और एक्चुअली नीडी वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि देखिए आज फीस दे कौन नहीं रहा है, जो स्कूलों को हार्डली 20-25% की फीस या 30% की फीस वो भी अप्रैल के महीने की मिली है, और बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ ये परसेंटेज और भी कम है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा एक धारणा बनी है कि शायद ये फीस माफ़ हो जाएगी, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा कई बार इस बात को कहा गया कि फीस माफ़ नहीं की जा रही है और आप धीरे धीरे करके फीस दें। मासिक आधार पर 1-7 अप्रैल को शासनादेश जारी हुआ जिसमें बहुत क्लियरली मेंशन था कि स्कूल की फीस जो है वो मासिक आधार पर ली जाए, 1-7-3 महीने की ना ली जाए। कई स्कूल क्वार्टरली फीस लेते थे, केवल अप्रैल की फीस अप्रैल में, मई की फीस मई में, जून की फीस जून में ली जाए, ये एक साधन बनाया गया। आज स्कूलों के सामने स्थिति क्या है कि उनको ये तक एक्चुअली नहीं पता कि उनके पास एक्चुअल इनरोल्ड बच्चे कितने बचे हैं, जबकि जो संसाधन थे वो पूरी स्ट्रेंथ को लेके थे। स्कूलों में चूंकि सत्र की तैयारी शुरू हो चुकी थी, लगभग हर स्कूल में मार्च के 3rd या 4th वीक से या April 1st से स्कूलों का संचालन होना था। चूँकि 18 तारीख को सडनली स्कूल बंद किए गए, 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगा और 25 तारीख से लॉकडाउन की घोषणा हो गई, लेकिन तैयारियाँ पूरी हो चुकी थी सत्र को लेके। अब यदि जैसा मैंने कहा वो अभिभावक, एक वर्ड उसमें इस्तेमाल किया हुआ है सक्षम अभिभावक, और सक्षम की डेफिनेशन होती है जो वेल ऑफ है। वेल ऑफ को मैं थोड़ा और डिफाइन कर दे रहा हूँ कि जिनके पास रिसोर्सेज थे उन्होंने फीस नहीं दी, बल्कि उन लोगों ने दे दी है जो कहीं से भी मैनेज कर रहे थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करूंगा उन पेरेंट्स से जिनको अपने विभागों से तनख्वाह समय से मिल रही है, वो अपनी फीस समय से जमा करें ताकि हम लोग उन पेरेंट्स की, उन बच्चों की मदद कर पाएँ जो एक्चुअली किसी संकट में हैं, और स्कूल उनका साथ देगा। 3 महीने हम आगे उनको समय देंगे,
लेकिन उनसे भी अनुरोध है कि वो अपनी एक महीने की केवल एक फीस दे दें जिससे ये पता चल जाएगा कि उनका बच्चा इनरोल्ड है। और दूसरी बात, वो एक रिटन एप्लीकेशन स्कूलों को दें कि मेरी ये दिक्कत है और मेरी जो बची हुई फीस है उसको आगे की किस्तों में समायोजित कर दिया जाए। तो स्कूल इस पर विचार करेंगे और 100% उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन साथ में कंडीशन वही है जब रिमेनिंग, और ये परसेंटेज लगभग 40% है जो हम लोगों का मोटा मोटा आकलन है, जो फीस दे पाने में कहीं कोई कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन 55 से 60% लोग ऐसे हैं जो दे सकते हैं। यदि वो 55 से 60% लोग दे पाएंगे तो स्कूल अपनी रूटीन की चीज़ों को कर पाएगा, अपने कर्मचारियों के वेतन का कुछ परसेंटेज ज़्यादा बढ़ा के उनको दे पाएगा, क्योंकि उनका भी जब वो अपने स्टाफ को देखते हैं, स्टाफ भी उनकी तरफ बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। ग्रुप डी का कर्मचारी, ड्राइवर, कंडक्टर, जो कि यहाँ स्कूल की सैलरी के ऊपर ही जिनके घर चलते हैं, आज क्या उनके साथ अन्याय नहीं होगा? और वो अन्याय की वजह मैं बार बार नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन फीस ना जमा करना ये कतई कोई समाधान नहीं है। अनिल जी, आपकी बातों से फिर मैं ये पेरेंट्स को एश्योर कर सकता हूँ कि फीस की वजह से उनके बच्चों की पढ़ाई पर असर नहीं होगा। देखिए, मैं यहाँ पे ये कहूँगा जो वाकई में अफेक्टेड पेरेंट्स हैं उनकी पढ़ाई पर असर नहीं पड़ेगा, उनको क्लासेस से वंचित भी नहीं किया जाएगा। लेकिन जो पेरेंट्स सक्षम हैं, यदि वो फीस नहीं दे रहे हैं तो कोई ना कोई अप्रोप्रिएट एक्शन उनके लिए ज़रूर लिया जाएगा, क्योंकि अब 3 महीने के बाद स्कूलों की वित्तीय स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है, समय अब निकलता जा रहा है, तो उन अभिभावकों को विद्यालय का साथ देना पड़ेगा और तभी हम बाकी लोगों की मदद कर पाएंगे। सर, जैसे आपने बताया कि इकोनॉमिक क्राइसिस से संस्थान परेशान हैं, तो क्या लगता है कि सर 3 महीने के बाद जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी पर भी फ़र्क पड़ने वाला है 3 महीने के बाद, अगर यही चीज़ें कंटिन्यू रही? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं इतना कहूँगा, देखिए परिस्थितियाँ अगर सामान्य नहीं होती हैं, पेरेंट्स फीस जमा करना नहीं शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये संकट की घड़ी उनके सामने ज़रूर आएगी। और अगर मैं पूरे प्रदेश की बात करूँ तो कम से कम 7 से 8 लाख टीचर्स हैं जो प्राइवेट स्कूलों में जॉब करते हैं, कम से कम 3 से 4 लाख ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ हैं जो स्कूलों से जुड़े हुए हैं, 8 से 10 लाख लोगों के ऊपर जब इफ़ेक्ट पड़ेगा तो कहीं ना कहीं ये बेरोज़गारी की समस्या ही हो जाएगी। तो इसलिए मैं विनम्र निवेदन करूंगा अभिभावकों से कि आज तक वो हमारे साथ रहे हैं, इस घड़ी में उनके साथ की स्कूलों को बहुत ज़रूरत है, तो वो मिल के चलें। और ऐसा नहीं है कि टीचर्स बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, वो भरपूर मेहनत कर रहे हैं, जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं, जो सरकार का आदेश जैसे ही मिलेगा स्कूल खुलेंगे, जब तक नहीं खुल रहे हैं उनके बच्चों की पढ़ाई होगी और उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा हम लोग देंगे, ताकि वो घर पर बैठ के भी महसूस कर पाएँ कि हम अपनी क्लास में चीज़ों को पढ़ रहे हैं। सर, एक लास्ट सवाल है कि जो आने वाला सत्र है, जैसे क्राइसिस आई हैं जो शिक्षक संस्थान झेल रहे हैं, सर क्या लगता है कि अब फीस भी बढ़ाई जाने की उम्मीद है? कुछ ऐसा भी आप लोगों की तरफ से कुछ है सर? नहीं, बिल्कुल फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, और ये एक शासनादेश भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी हो चुका है जिसका हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे। मैं सारे अभिभावकों को आपके चैनल के माध्यम से एश्योर करता हूँ कि कहीं पर भी कोई भी फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया है कि जो लास्ट ईयर की फीस, जिस क्लास की जो फीस लेते थे, वो जो नए एडमिशन्स लेंगे उनसे, और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे थे उनसे वही फीस ली जाएगी, कोई भी फीस की वृद्धि नहीं होगी। और यदि कोई स्कूल फीस की वृद्धि करता है तो डिस्ट्रिक्ट फी रेगुलेशन कमेटी में वो शिकायत करें और उसका निराकरण होगा। किसी भी कीमत पे फीस इस सत्र में नहीं बढ़ाई जाएगी, ये मैं आश्वासन देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ अनिल अग्रवाल जी थे जो सेंट जोसेफ स्कूल ऑफ ग्रुप्स के डायरेक्टर भी हैं और अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। तो इनकी बातों से आप लोगों को ज़रूर एक सांत्वना मिली होगी कि ऐसी जो भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं कि फ़ीस बढ़ा दी जाएगी, लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी और फीस की वजह से बच्चों की पढ़ाई पे असर होगा, तो सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। थैंक यू रजत जी, थैंक यू। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत से मुलाकात होगी, किसी नए महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।